Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start the second lecture of the chapter 2. बेटे आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दैट इज रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन की अहमियत के मुतालिक है. बेटे वी ऑल नो के द कार्बन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अहम तरीन पार्ट है. दैट्स वाई इट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ लाइफ. इसीलिए ये जिंदगी का ढांचा बनाती है, क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उसके अंदर जो कार्बन है वो एक इंतहाई अहमियत के हामिल है. उसकी वजह कि हमारी जो बॉडी है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले अ वाइटल रोल, एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ द कार्बन. दैट्स व्हाई वी से कि जो कार्बन है दैट इज अ सेंट्रल, हैज अ सेंट्रल रोल इन द स्केलेटन ऑफ द लाइफ. जिंदगी के ढांचे को बिल्ड करने के लिए जो कार्बन है उसका अहम तरीन रोल है, अहम तरीन किरदार है. बेटे अब हम कार्बन की इंपॉर्टेंस को वन बाई वन करके मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर स्टडी करते हैं. पहला जो कार्बन है बेटे, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कार्बन एज ए टेट्रावेलेंट, बेटे कार्बन फॉर्म्स एज मैनी कंपाउंड्स एज एनी अदर एलिमेंट डोंट. कार्बन जो है वो इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, इतना कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं बनाता. नेचुरली तौर पे हम कह सकते हैं कि वी हैव 118 एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड, 118 एलिमेंट जो है वो मौजूद है. अब उसमें से कार्बन एक है. अब कार्बन को आप एक तरफ कर दें, कार्बन को एक तरफ कर दें, एंड रिमेनिंग 117 को एक तरफ कर दें, 117 एलिमेंट को एक तरफ कर दें, तो बेटे कार्बन क्या करता है, इनमें से इन सब में से इनके जो 117 जो हैं उनको सबको मिला के एक तरफ कर दें, और सिर्फ कार्बन उसके जो कंपाउंड की तादाद है बेटे वो मेनी थाउजेंड टाइम्स, आई कैन से मेनी थाउजेंड टाइम्स क्या होता है वो ज्यादा है जो बाकी 117 एलिमेंट जो है वो कंपाउंड बनाते हैं. कार्बन इज अ फेवरेट एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स. कार्बन जो है वो एक फेवरेट कंपाउंड है, एक फेवरेबल कंपाउंड है इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स. व्हाई? उसकी जो बेसिक एक रीजन है बेटे वो ये है, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट. ये कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है. द कार्बन हैज अ फोर वैलेंसी. कार्बन की जो वैलेंसी है वो चार है. कार्बन कैन फॉर्म द फोर, कार्बन कैन रिएक्ट, कार्बन कैन फॉर्म द बॉन्ड्स विद द फोर अदर एटम्स आर रेडिकल्स एंड फॉर्म द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. बेटे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी चार है. चार वैलेंसी होने के नाते इट कैन फॉर्म द बॉन्ड विद दी अदर फोर एटम्स आर रेडिकल्स. ये चार दूसरे एटम्स के साथ या रेडिकल्स के साथ क्या करता है बेटे, वो बॉन्ड्स बनाता है एंड फॉर्म द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है. आप देखेंगे यहां सेंटर के अंदर कार्बन है, इसके चार फॉर्मिंग द फोर बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन के साथ चार बॉन्ड्स बना रहे हैं एंड फॉर्मिंग द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं. दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर गिव द स्टेबल कॉन्फिग्रेशन टू द कार्बन. ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बेटे ये कार्बन को एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन देता है. इस स्टेबल कॉन्फिग्रेशन की वजह से इट फॉर्म्स द वैरायटीज ऑफ कंपाउंड्स. ये बहुत सारे कंपाउंड्स की क्या करता है बेटे, फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट बेटे दूसरा जो पॉइंट है वो है, उसको कहते हैं कैटिनेशन. कार्बन क्या करता है, कार्बन रिएक्ट विद द अदर कार्बन एटम्स. एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि बॉन्ड बनाता है एंड फॉर्म द लॉन्ग चेन्स, और बहुत सारी कंपाउंड्स इनके लॉन्ग चेन्स की फॉर्मेशन करता है, इनकी कैटिनेशन, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग.
कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड्स बना के मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनाता है। इसमें वो रिपीट फॉर्म्स दी, अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड कंपाउंड्स लाइक अब आप देख रहे हैं बेटी कि यहां पे ये जो कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ क्या कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कंबाइन करके ये दूसरा ये इसको कैटिनेशन कहते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग को कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन कार्बन के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स द अनब्रांच्ड इनके स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वो बनाता है। इसके अलावा इट आल्सो फॉर्म्स दी, इसके अलावा मेरे बेटे ये मुख्तलिफ जो इसके नतीजे में ब्रांच कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी करता है। ये आप देखें कि यहां पे आपको नजर आ रहे थे जो कार्बन है वो क्या करता है दैट आल्सो फॉर्म द ब्रांच, इनके जो कार्बन और कार्बन है ये ब्रांच कंपाउंड्स भी बनाते हैं, इनके दे आल्सो फॉर्म द इस कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की वजह से इस कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की वजह से इट आल्सो फॉर्म द ब्रांच कंपाउंड भी बनाते। इसके अलावा इसी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की वजह से इट आल्सो फॉर्म्स द इट आल्सो फॉर्म्स द रिंग कंपाउंड्स। ये क्या करता है मेरे बेटे रिंग्स जो हैं उनके कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करता है, इट आल्सो फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर्स इनके ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स भी बनाता है, ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो इस कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की वजह से बेटे जो कार्बन है इट फॉर्म्स द वैरायटीज ऑफ द कंपाउंड्स लाइक इट फॉर्म्स द अनब्रांच्ड कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ द स्टेट चेन्स, इट कैन फॉर्म्स द ब्रांच्ड कंपाउंड्स, ये ब्रांच कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ड्यू टू दिस कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इट आल्सो फॉर्म्स द रिंग स्ट्रक्चर, वो रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी करता है। बेटे नेक्स्ट देखें कि जो कार्बन है दैट नॉट ओनली रिएक्ट विद द कार्बन दे आल्सो रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, ये दूसरे एटम्स के साथ और एलिमेंट्स के साथ भी क्या करता है बेटे वो रिएक्ट करता है, इनके बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बना के मुख्तलिफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि कार्बन विद अदर एलिमेंट्स कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी क्या करता है बेटे वो बॉन्ड्स बनाता है, जैसे कि इट फॉर्म्स द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसकी मिसाल बेटे इट इज इसकी एग्जांपल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर मौजूद होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पे मौजूद है बेटे ये मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तफसील के साथ भी देखेंगे, यहां इतना बताना काफी है कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो CO बॉन्ड है ठीक है कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं इसको। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है दैट इज प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो यूनिट्स हैं उसके जो मोनोसैकेराइड्स हैं आइसोमर्स हैं उनके बीच में क्या होता है बेटे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद होता है। इसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्डिंग, कार्बन एंड नाइट्रोजन, अब जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्डिंग है CN लिंकेज है दैट इज प्रेजेंट इन अ दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज,
इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। जो सीएल लिंकेज है जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में मौजूद है, इसको बेटे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। ये जो बॉन्डिंग है कार्बन और नाइट्रोजन की, ये किसके अंदर बेटा, ये प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होती है। इनके प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और दो जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर ज्वाइंट टुगेदर, दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, बाय हेल्प ऑफ द सीएन बॉन्ड्स। नेक्स्ट बेटे जो कार्बन है दैट आर सो फॉर्म द बॉन्ड विद द हाइड्रोजन। कार्बन जो है मेरे बेटे हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और जो CH बॉन्ड्स हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ द एनर्जी। कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटे ये हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये जो CH बॉन्ड्स हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द सेल। ये सेल के अंदर एनर्जी का बेटे रिच सोर्स है। ये तो हुआ कि भी कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, और हाइड्रोजन के साथ भी। इसके अलावा बेटा जो कार्बन है दैट आल्सो फॉर्म द वैरायटीज ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कार्बन जो है वो वैरायटीज ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाता है, लाइक प्रोटीन, लाइक लिपिड, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर लाइक विटामिन्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कार्बन है बेटे दे फॉर्म द वैरायटीज ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन शामिल है। यही जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं